जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव में फिर बवाल हुआ है। आक्रोशित लोगों ने बीच सड़क पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया, जिसके कारण बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। दरअसल कल किसी नेता के वाहन से एक बच्चा घायल हो गया था। आक्रोशित लोग बच्चे का उचित इलाज कराने और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज, सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं लोग, क्या है पूरा मामला? देखिए दीपक, कल एक सड़क दुर्घटना में एक स्कॉर्पियो से के चपेट में आने से एक बच्चे बुरी तरह घायल हो गया था, और उसका उसी को लेकर कल से ही स्थानीय जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं, और उसको लेकर आज भी लोग सड़क को उतरे हैं, और उनका साफ तौर से डिमांड है कि जो बच्चे का घायल हुआ उसका बेहतर इलाज जो स्कॉर्पियो के चालक के द्वारा किया गया है उससे दिलवाया जाए, दूसरा मुआवजा मिले आपका, उसी को लेकर अभी तक कह सकते हैं कि सड़क पर फिर से उतरे हैं लोग, और इन लोगों को यही मांग है कि सड़क आपका जो भी मुआवजा है वो उस बच्चे के परिवार वालों को मिले और बेहतर इलाज बच्चे का हो। आपको बता दूं कि कल शाम को ये घटना हुई थी जहां एक स्कॉर्पियो ने एक बच्चे को कुचल दिया था, हालांकि वो बुरी तरह गंभीर हो गया था, अभी भी उसका इलाज चल रहा है। किसी के डिमांड को लेकर अभी देख सकते हैं अभी फिर से सड़क पर लोग उतरे हुए हैं, लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, लोगों को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग डटे हुए हैं। जी नजर बनाए रखे मनोज, इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद। हम लोग को फोन करना पड़ रहा, 10 घंटा बहुत पैसा हम लोग के पास आ रहा है, फिर बाद में रात को ब्लड चाहिए 2 बजे, बड़ा बाबू फोन नहीं उठा रहा है, सुबह 6 बजे फोन कर रहा, तो रात को अगर बच्चा को कुछ हो जाएगा तो बड़ा बाबू रिस्क लेगा। झूठ मूठ का रिपोर्ट गलत बनाया है, बच्चा को कोरोना था ही नहीं। अभी क्या चाहिए आप लोग? अभी हम लोग को चाहिए वो आदमी जो मारा है उसको बुलाइए, हम लोग को हाथ में पैसा चाहिए 30 लाख रुपया, हम लोग बेलोर ले जाएंगे।